नोटिफिकेशन आया मानव यू हैव अ न्यू फ्रेंड सजेशन. मैंने कहा ओके लेट्स चेक आउट. तो मैंने देखा उसकी तस्वीर में वो प्यारी सी मुस्कुराहट, उसकी हसीन अदाएं और मतलब आई है एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया. तो फिर मैं भी नादान था तो भेज दी फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट हो गई. वो बातें अब गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ करती थी और गुड नाइट पे ख़त्म. टाइम कुछ इस तरह से बीता. वी रियली डोंट नो हाउ कैन वी ग्रो अप फ्रॉम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू अपना ध्यान रखना. उसकी लाइफ का जो भी कुछ भी पार्ट होता था तो मेरा मन होता था यार इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन हो, यानी उसकी लाइफ की एक एक खुशी में मैं अपना पार्ट चाहता था. एंड सॉरी कॉल पे क्वेश्चन कर रहे हैं. अब वो पल बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे जब हम उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे. उनके आते ही दूसरी गली से भाग जाया करते थे. सामने आने पर उनसे निगाहें तक नहीं मिला पाते थे, लेकिन उनको कभी महसूस ना होने देते थे कि हर शाम यहाँ बस तेरे लिए आते थे. अब जब मेरे को ऐसा फील हुआ तो मैंने सोचा अब इसको प्रपोज करता हूँ. सो सब कुछ डिसाइडेड था. एक हाथ में ग्रीटिंग, दूसरे हाथ में रेड रोज, और मैं चला उसकी तरफ. हर एक कदम के साथ मेरे हार्ट की एक एक हार्ट बीट बढ़ रही थी. तो तभी कॉल आता है, मैंने उठाया. हेलो मानव स्पीकिंग. उधर से मेरा दोस्त बोलता है सॉरी ब्रो शी इज कमिटेड. आई स्टॉप एंड बस मन में एक ही चीज़ आई कि ना बना सके उन्हें हम अपना, फिर भी बनाया उन्हें अपने ख्यालों में सिर्फ अपना, अब जब ऐसा कुछ हो गया फिर मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया था. अब जैसे कुछ टाइम बाद होता है ना, हर लव स्टोरी में इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है और बातें कम हो जाती हैं, सेम मेरे साथ भी वही हुआ. तो मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि याद है क्या तुझे वो दिन जब उस दिन दोपहर के 1:30 बजे थे, हम उस बगीचे में थे, मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ था और मैं तेरी आंखों में देख रहा था और फिर धीरे से मैंने तेरे कान में पूछा था कभी छोड़ोगे तो नहीं. तो तूने धीरे से नजरें झुका के मुस्कुरा के बोला था नहीं कभी नहीं. कि याद है तेरे को वो दिन, अब कहाँ गई वो सारी बातें. अब हम चाहते हैं हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो, हर कोई ये चाहता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो. तो जिस स्टोरी को हम हैप्पी एंडिंग नहीं दे सकते ना, उस पर ऐसे हसीन मोड़ पर ले जाकर छोड़ दो जब दिल को तकलीफ ना हो. मैंने भी सेम वही करा. एंड लास्ट में अपनी बात का एंड करते हुए एक शायर की कह के दो लाइन कहूँगा. मोहब्बत उनसे बड़ी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता. थैंक यू गाइस. रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप. डाउनलोड द ऐप नाउ.